हे फूडीज, वेलकम टू द स्पाइस एक्सप्रेस। मैं हूँ पूजा और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आपने पनीर टिक्का भी खाया होगा, चिकन टिक्का भी खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी पाइनएप्पल टिक्का खाया है? ये बहुत ही खट्टा मीठा और चटपटा टिक्का है और खाने में जितना टेस्टी है उतना ही बनाने में आसान। ये झटपट रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये पाइनएप्पल लिया है, ये हाफ पाइनएप्पल है, इसे मैंने अभी कट नहीं किया है। एक चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी ली है मैंने, करीब आधा चम्मच जितना मैंने ये टिक्का मसाला लिया है और एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च ली है देगी वाली, एक चौथाई चम्मच सादा नमक लिया है मैंने, एक चौथाई चम्मच पीली मिर्च ली है और एक चौथाई चम्मच मैंने लिया है काला नमक। मसाले बहुत कम यूज करेंगे हम इसमें। आधा नींबू लिया है मैंने और ये स्क्यूअर्स हैं टिक्का बनाने के लिए, इजीली अवेलेबल होते हैं ये मार्केट में, इन्हें मैंने भिगो लिया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाइनएप्पल काटने से। हमें इसे एक इंच इतने मोटे क्यूब्स में काटना है। मैं इस तरीके से इसे पहले चार टुकड़ों में बांट लूंगी और आगे फिर से मैं इसे चार हिस्सों में काट लूंगी। हमें बहुत पतले पतले पीसेस नहीं चाहिए, करीब एक इंच जितना मोटा टुकड़ा होना चाहिए। इस तरीके से इसे टुकड़ों में काट लिया है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी जितनी क्विक है उतनी ही टेस्टी और हेल्दी भी है। एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी क्वार्टर टीस्पून जितना सॉल्ट, क्वार्टर टीस्पून मैं इसमें पीली मिर्च इस्तेमाल करूंगी और क्वार्टर टीस्पून ही काला नमक डालूंगी मैं। बहुत ही कम मसालों से बनने वाला बहुत ही टेस्टी स्नैक है ये। आधा चम्मच जितना टिक्का मसाला डाला है मैंने, अगर आपके पास टिक्का मसाला ना हो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। और क्वार्टर टीस्पून मैंने डाली है देगी मिर्च कलर देने के लिए और ये एक चम्मच चीनी डाली है पिसी हुई मैंने। चीनी से बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा इसे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। तो जो नींबू है ये मसालों के और चीनी के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा और खट्टा मीठा फ्लेवर देगा। आधा चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें। अब चम्मच की हेल्प से इन सबको स्टिर कर लेंगे ताकि चीनी और मसाले और नमक नींबू और रिफाइंड में अच्छे से घुल जाएं। अच्छे से मिक्स करेंगे इन्हें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पाइनएप्पल के पीसेस। तो पाइनएप्पल के पीसेस हमने मोटे इसलिए काटे हैं ताकि उसमें स्क्यूअर्स आसानी से जाए, क्योंकि इसकी एजेस इस तरीके से कटी होती हैं कि अगर हम इसे बहुत पतला काटेंगे तो वो टूट जाएगा। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ देखने को मिले। इस सारे मसाले में हमने पाइनएप्पल के पीसेस को अच्छे से कोट कर देना है इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए ये सारे मसाले और जो हमारा पाइनएप्पल है कितना सुंदर लग रहा है। अब मैंने ये स्क्यूअर स्टिक्स ली हैं, इन्हें मैंने पानी में भिगो लिया था 10 मिनट के लिए ताकि ये जले नहीं। अब ये बहुत ट्रिकी काम है क्योंकि इसकी एजेस इस तरीके से कटी होती है कि टूट सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस से करना पड़ेगा हमें इसे। इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में लगाएं सारे पीसेस और कोशिश करें हर स्क्यूअर में आप पीसेस जो हैं करीब करीब सेम लगाएं, जिनकी मोटाई सेम हो। नहीं तो जब हम इन्हें ग्रिल करेंगे तब हो सकता है कोई पीस अच्छे से ग्रिल हो जाए, कोई रह जाए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए एक तरह से पीस लगाएंगे। एक और स्क्यूअर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये वाले स्क्यूअर्स अवेलेबल नहीं हैं तभी भी आप ये टिक्का बहुत ईजिली बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस एक प्रेजेंटेशन टेक्निक है। तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ज़रूर ज़रूर कहती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स को कभी रास्ते में ना आने दें। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि अगर आपके पास स्क्यूअर ना हो तब आपने क्या करना है। ये देखिए इस तरीके से सारे जो हैं पाइनएप्पल के पीसेस हम स्क्यूअर्स में लगा लेंगे और जो छोटे मोटे पीसेस टूटे हुए या बच भी जाएंगे तो उन्हें भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं भी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से इन्हें बनाएंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये रेडी हो गए हैं। मैंने गैस पर तवा रखा है और इसे गर्म होने के बाद मैंने इसे हल्के से ऑयल से ग्रीस कर दिया है और अब इसके ऊपर मैं टिक्के प्लेस कर दूंगी, ये हमने जो पाइनएप्पल स्क्यूअर्स बनाए हैं, और हल्का सा ऑयल में ब्रश कर दूंगी दोबारा से ऊपर वाली साइड पर भी पाइनएप्पल के। ये देखिए ब्रश की हेल्प से, तो हमने जो चीनी डाली थी उसकी हेल्प से ये बहुत अच्छा चार होगा, इसकी जो ग्रिल होगी वो बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी इन्हांस हो जाएगा। ये जो बचे हुए जूसेस थे बोल में हमारे जिसमें हमने मैरिनेट किया था, मैंने वो भी डाल दिए हैं उसके ऊपर से,
ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से आ जाएं टिक्के में। ये देखिए कितना अच्छा चार होना शुरू हो गया है। और ये देखिए जो अगर आपके पास जो टूटे हुए छोटे पीसेस बच गए थे, आप उन्हें भी इस तरीके से तवे पर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्क्वायर्स नहीं है तो आप इस तरीके से ग्रिल कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने किया है, ये इस तरीके से आप बिना स्क्वायर्स के भी ग्रिल करके बना सकते हैं। टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा फ्रेंड्स, इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन टेक्निक। और अगर आपके पास इस तरीके का ग्रिल टोस्टर है तो आप इसमें भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। मैंने ये टोस्टर हीट किया है और इसमें मैंने एक स्क्वायर लगा दिया है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको वो परफेक्ट ग्रिल वाली लाइंस मिलेंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो बस अब ये रेडी हो गए हैं, इन्हें हम सर्व करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल द स्पाइस एक्सप्रेस, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगी फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।